आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक मुझे मेरे डॉक्टर से बचाओ। लेखक डॉक्टर सुधाकर प्रभु, प्रस्तुति तनुजा कानडे की है। तो आइए सुनते हैं नाटक मुझे मेरे डॉक्टर से बचाओ। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती बनाए रखना हर एक इंसान का फर्ज है। इस बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं इस मोहल्ले के सबसे मशहूर डॉक्टर जमुना दास जी। रुक जाइए, असली डॉक्टर मैं हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गंगा दास। और ये जमुना तो मेरा कंपाउंडर था। अरे मरीज को इंजेक्शन दे रहा, इसे मैंने ही सिखाया। ये बात बिल्कुल सच है। सुई लगाना मैंने इस गंगा के बच्चे से ही सीखा है। मालूम है क्यों? ये आदमी एक टेलर था। टेलर कपड़ों पर सुई चलाते चलाते आदमी पर चलाने लगा और बन गया डॉक्टर। अबे हंसता क्यों है? बेशरम कहेगा। अबे उल्लू के पट्टे, बेशरम किसको कहता है? अरे तुझको कहता हूँ, जमुना के बच्चे। तुझको और किसे कहूंगा? बेशरम को बेशरम कहने में डर कैसा? डर कैसा? रुक एक पल, तुझे जिंदगी का सबक सिखाता हूँ। तू क्या करेगा खाल उतारने वाले? ये ले तेरी हड्डी पसले को हिसाब। अरे भाई झगड़ा ना करिए, अच्छे शरीफ आदमी झगड़ा नहीं किया करते। देखिए गंगा दास जी, जमुना दास जी, जाहिर है आज आप बिजनेस कंप्यूटर्स हैं, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन। मगर एक जमाना था जब जमुना दास जी गंगा दास जी के कंपाउंडर थे, मतलब आप दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं करते? उन पुराने दिनों को ठीक से याद करते हैं, इस भरी सभा के सामने अपनी पुरानी यादें पेश करते हैं, ठीक है ना? तो शुरू हो जाइए। तू गंगा का दास, मैं जमुना का छोरा। तू गंगा का दास, मैं जमुना का छोरा। तू जमुना का दास तो मैं गंगा का प्यारा। तू जमुना का दास तो मैं गंगा का प्यारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है डॉक्टर तो कंपाउंडर मैं हूँ, कंपाउंडर मैं हूँ। तेरे दिल के पैसों का पैगाम मैं हूँ, पैगाम मैं हूँ। तेरे बिन डूबेंगे बिना पेशेंट, प्रैक्टिस की नैया, प्रैक्टिस की नैया। हम दोनों कश्ती और पेशेंट है भैया, पेशेंट की भैया। मनाएंगे हम पेशेंट को उन दिन अचारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अबे ओ जमुना के बच्चे, गोरे गोरे ओ डॉक्टर प्यारे, मुझे गले से लगाया करो। अबे ओ हौले हौले ओ जमुना प्यारे, जरा दूर से बात करो। अबे आट। रोज रोज सुई देना अच्छा नहीं, मरीज का बदन कोई कपड़ा नहीं। कभी कभी सुई थोड़ी सी दवाई, सदा पैसों की बात अच्छी नहीं। घड़ी घड़ी जमुना अनाड़ी, घड़ी घड़ी जमुना अनाड़ी, ऐसी बात बनाया ना करो। घड़ी घड़ी ओ जमुना अनाड़ी, ऐसी बात ना बनाया करो। गोरे गोरे ओ डॉक्टर प्यारे, मुझे गले से लगाया करो। जी हाँ, वही तो कह रहा हूं। एक जमाना था जब मेरे दिल में फिल्म हीरो बनने की तमन्ना थी। अरे कभी चौकटा देखा है अपना? है कभी नाले वाले में देख लेना, समझ में आ जाएगा हीरो। तू हीरो बनता कभी? हाँ, लेकिन ये मेरी तरफ देखो जरा। अच्छा? हाँ, मैं दिन रात थिएटर के ख्वाब देखता था, फिल्मों की सोचता था। अच्छा? कुछ ऐसे के मैंने फिल्म और थिएटर की तमन्ना की थी, मैंने फिल्म और
थिएटर की तमन्ना के थे। लेकिन साहब मुझको गंगा की सिलाई के सिवा कुछ न मिला, मुझको गंगा की सिलाई के सिवा कुछ न मिला। अरे तू तो यही बोलेगा कमबख्त। कमबख्त हमारे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। अरमानों का गुलशन उजड़ गया, अरमानों का गुलशन उजड़ गया, अरमानों का गुलशन उजड़ गया। लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। जवानी बर्बाद होने पर बुढ़ापे में ये दवा खाना खोलने पर हम मजबूर हुए, लेकिन हमारा दिल दवा खाने में नहीं लगता था। मैंने कितने ही फिल्म के डायरेक्टरों की कदम बोसी की। अच्छा? उनके पांव चूमे, क्या नहीं किया कि फिल्मों में काम मिल जाए। उनसे प्रार्थना की कि प्रैक्टिस में मेरा दिल नहीं लगता, कैसे मेरा प्रैक्टिस में दिल लगता नहीं। मेरा प्रैक्टिस में दिल लगता नहीं, फौरन उठा ले मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको फिल्म का हीरो बना ले, मुझको फिल्मी हीरो बना ले। लेकिन साहब उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अरे एक कैसे सुनेंगे साहब, हमारे डॉक्टर ने हिम्मत नहीं हारी। आप जानते हैं आजकल का जमाना विज्ञापन का यानी कि एडवर्टाइजिंग का है। हमारे डॉक्टर ने मेडिकल प्रैक्टिस की विज्ञापन के लिए 3 फिल्में बनाई। बता दे तीनों फिल्में कौन कौन सी। अभी बताता हूँ। अरे सिर्फ टाइटल्स ही देखिए कितने दिलचस्प हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के विज्ञापन के लिए नारी का धर्म, पेडियोट्रिशियन के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे, और ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए तोड़ दे हड्डी। वाह भाई वाह वाह। सीधी बात है, गंगादास जी की प्रैक्टिस चलती ही नहीं थी। अबे चलती कैसे, जमुना के बच्चे, ये सारे तेरे कर्तव्य की वजह से था। आई मेरी कर्तव्य की वजह से? हाँ भूल गया क्या? अब सुनिए साहबान, दवा खाने के उद्घाटन का समारोह था, चीफ गेस्ट के लिए फूलों का हार लाने के लिए मैंने इस जमुना के बच्चे को भेजा, और ये कमबख्त फूलों के साथ साथ दो बड़े लंबे लंबे बांस और एक मटका भी ले आया है। अब आप सोचिए, दवा खाने के उद्घाटन का अवसर और सामने मैयत का सामान, अब बताइए क्या कोई मरीज आ पाएगा ऐसे दवा खाने में? अरे भैया वो तो थोड़ी सी भूल हुई, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस था मैयत का सामान बेचने का। सवेरे कंपाउंडर का काम करता और शाम को मैयत का सामान बेचता। इसीलिए ये दवा खाने में जनाजा लेके आया। मैं तो ख्वाब देखता था मेरा 10x10 फुट का दवा खाना गुलिस्तान बनेगा, उसमें गुल खिलेंगे बुलबुलें गाएंगे, लेकिन हाय 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 इस नाचीज ने गुलिस्तान को कब्रिस्तान में बदल दिया। आए मैं क्या जानता कि डॉक्टर के बर्बाद होने पर कंपाउंडर को भूखा मरने की नौबत आएगी। ओहो क्या था वो जमाना। सांस सवेरे हम दवा खाना खोल कर बैठते थे कि आएगा कभी ना कभी तो आएगा। कौन? पेशेंट। लेकिन साहब उसका इंतजार कैसे करते थे वो तो देखें। आ जा रे मैं तो कब से खड़ा इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार।
राजा रे। परदेसी मैं तो कब से खड़ा इस पार, काय के लिए पेशेंट को ढूंढने के लिए। अच्छा, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। मगर नहीं आया। मैं डॉक्टर पेशेंट का प्यासा, उन बिन लगता कैसा कैसा। बात सुनो ये जमुना दासा, आजा रे परदेसी। लेकिन मैं इसे समझाता था। क्या समझाता था? लेकिन मैं इसे समझाता था, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। जाए पेशेंट ना ये प्यारे, अरे ना ये पेशेंट और ना ये प्यारे, अरे ये क्रेडिट वाले हैं सारे, ये क्रेडिट वाले हैं सारे। मैं कहता था, अरे इनसे पैसों की आस ना रखना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। आखिर मैं निराश हुआ। हाय हाय हाय। और मैंने जमुना से कहा। क्या कहा भैया? मेरा दुखड़ा सुनो दोस्तों। ए मेरे दिल कहीं और चल, बिल का पैसा यहाँ डूब गया। ए मेरे दिल कहीं और चल, बिल का पैसा यहाँ डूब गया। ढूंढ ले अब मोहल्ला नया। ए मेरे दिल गई और चल। मगर मैंने इसे समझाया, अगर दुनिया में गम का मारा कोई भी ना हो तो अपनी प्रैक्टिस कैसे चलेगी। मैंने सुझाया, ऐसे गाओ, सब जहां गम के मारे ही हो, क्रेडिट वाला कोई भी ना हो। सब जहां गम के मारे ही हो, क्रेडिट वाला कोई भी ना हो। ऐसे पेशेंट से क्या फायदा, जिनके पॉकेट में पैसे नहीं। बिल डुबा के हवा हो गया। तो भैया ऐसी थी हमारी हालत। हाँ। सुनिए आगे। हम पास जा रहे थे, वो दूर भागते थे, बिल को डुबा के हमरी दुनिया लुटा रहे थे। पैसे न मिल रहे थे, भूखे ही मर रहे थे। पैसे न मिल रहे थे, भूखे ही मर रहे थे। वो देखते ही हमको नजरें चुरा रहे थे, बिल को डुबा के हमरे नैया डुबा रहे थे। बिल को डुबा के हमरे नैया डुबा रहे थे। हमारा रास्ता कांटों से भरा था, पांव तले अंगारे थे और सामने घना अंधेरा। मगर हमें यकीन था कि एक ना एक दिन
हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। बहारों की मंजिल क्या थी? हमें तो पेशेंट चाहिए थे, नहीं मिल रहे थे, भूखों मर रहे थे, आपको बता ही दिया। हाँ, हमें भरोसा था कि एक ना एक दिन पेशेंट मिलेगा, और वो भी पैसे देने वाला। कैसे आएगा? आएगा आएगा, आने वाला आएगा, आएगा 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 आएगा, आने वाला आएगा। भटका हुआ ये डॉक्टर पेशेंट ढूंढता है, भटका हुआ ये डॉक्टर पेशेंट ढूंढता है। बिल लेके हाय जमुना, घर उनके ढूंढता है। आएगा 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 पैसे वाला, आएगा आएगा आएगा। हाँ हाँ, जरूर आया। आप ही देखिए आगे का हाल। हम लोग दवा खाने में यूं ही बैठे थे, काम तो फिलहाल कुछ था नहीं, बैठे थे, सिगरेट पी रहे थे और हाथ पांव खुजाते खुजाते, मेरा मतलब है अपने अपने एक दूसरे के नहीं, इतने में आवाज आई। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। ये किसने आवाज दी? इस तन्हाई के घने अंधेरे में, इस मरगट जैसे सन्नाटे में आवाज किसने दी? नहीं नहीं, मुझे अब कोई भी आवाज सुनने की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, आवाज ना दो। पैसे कौड़ी भी ना लाए मुझे पेशेंट ना दो, पेशेंट ना दो, पेशेंट ना दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, यानी दवा खाने में, घर को बुलाऊंगा रात अंधेरे, यानी विजिट को। अरे विजिट को, सचमुच विजिट? आवे ओ जमुना, आवे ओ जमुना के बच्चे, उठ यार। ए, पेशेंट आ गया भाई, खुदा कसम पेशेंट आ गया। क्या क्या पेशेंट आया? हाँ, मैं आया पेशेंट, जुग जुग के इंतजार के बाद। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, घर को बुलाऊंगा रात अंधेरे। यही मेरी खासियत है। खासियत मतलब? मतलब डॉक्टर को सिर्फ रात को ही विजिट के लिए बुलाना। अच्छा, जब वो सोना चाहता है तब उसके नींद बर्बाद करना हम लोग अपना फर्ज समझते हैं। इसीलिए फरमाता हूँ। फरमाइए। घर को बुलाऊंगा रात अंधेरे, सोने तुझे न दूंगा, पीने तुझे न दूंगा। नींद भी तो, सर्द भी तो,
सर्दी भी तू खांसी भी तू सीने का दर्द भी तू मितवा मेरे यार तुझको रात रात सोने नहीं मैं दूंगा पीने बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरे पास में अब हुजूर आप आए कदम चूम लूं तुझे डोज दूं या दर्द की गोली करूं क्या ये मेरे समझ में न आए दिल आंसू न बहा फरियाद न कर दिल जलता है दिल जलने दे इंजेक्शन ले तो पैसा दे दिल जलता है तो जलने दे दिल जलता है तो जलने दे दिल जलता है तो जलने दे मिली खाक में तबीयत जला दिल का आशियाना जो दर्द की हकीकत वही बन गया फसाना मिली खाक में तबीयत वही बन गया फसाना ये बीमारी कैसे आई जो बला भी साथ लाई मिली खाक में तबीयत जला दिल का आशियाना तेरा दुखता सीना और मेरी खाली पाकिट देखो तेरा दुखता सीना और मेरी खाली पाकिट का बोल राजा बोल गोली लेगा के नहीं अरे बोल राजा बोल गोली लेगा के नहीं 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 कभी नहीं कितने महीने बीत गए हैं तेरा दामन पाने में मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और मोहल्ले में सारे मोहल्ले में ढूंढ के देख लो थोड़ा पैसा हमको भी तू देगा कि नहीं बोल राजा बोल गोली लेगा कि नहीं अरे भाई बोल राजा बोल गोली लेगा कि नहीं 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 कभी नहीं डरना इंजेक्शन ले ले हाँ डरना इंजेक्शन कर ले डरना इंजेक्शन कर ले डरना इंजेक्शन कर ले सीने का दर्द मिटा ले सीने का दर्द मिटा ले डरना मोहब्बत कर ले काय से इंजेक्शन से मोहब्बत कर ले भाई मेरे हम आज यहीं दिल खो बैठे हम आज यहीं दिल खो बैठे क्यों समझो खुदकुशी कर बैठे हम आज यहीं दिल खो बैठे अरे भाई जरा सुनना तुझे डरने की
अब क्या बात है, मेरे हाथ में तुम्हारे मेरा हाथ है, तुझे डरने की अब क्या बात है, मेरे हाथ में तुम्हारा जब हाथ है, तुझे ले जाएगा परमात्मा, मेरी तो यही दुआ है, तुझे ले जाएगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। वो खाली पॉकेट वाले, वो खाली पॉकेट वाले, वो सुई देने वाले, मेरा मरघट पे आया जनाजा, अरे भरने को तेरा खजाना, ओए ओए। सुई अपनी और हाथ पर आए, जीवर रोले ओए ओए, बिल अपने और जेब पर आए, और पानी के डोज बनाए, बिल अपने और जेब पर आए, और पानी की डोज बनाए, अंदर की बात है। दिल चुने से सका वही राजे, बिल पैसों की बात आई, पैसों की बात आई, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। प्रेम पत्र का मतलब समझे आप लोग दोस्तों, प्रेम पत्र का मतलब है बिल, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम तो गंदगी हो। प्यारे प्यारे पेशेंट, प्यारे प्यारे पेशेंट तेरे खीसे में क्या है, प्यारे प्यारे पेशेंट तेरे खीसे में क्या है, खीसे में है खाली पॉकेट मेरे, खीसे में है खाली पॉकेट मेरे, मेरा क्रेडिट पे नाम लिखा ले, मेरा क्रेडिट पे नाम लिखा ले, सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगा सायोनारा, पैसा लेकर फिर आऊं अगले महीने सायोनारा सायोनारा। रुक जा ओ जाने वाले रुक जा, देख लूं मैं पॉकेट तेरा, देख लूं मैं पॉकेट तेरा, हम पेशेंट को पकड़ेंगे उसका पॉकेट खोल के देखेंगे, और उसमें जो भी निकला वो हम जबरन छीन के ले लेंगे, हाय हाय, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। अरे वाह भैया वाह, इसमें तो 10 का नोट निकल गया, काहे में से पॉकेट में से 10 का नोट निकला है भैया, दैया रे दैया मिल गए मुझको रुपया, दैया रे दैया मिल गया मुझको रुपया, हाय हरे तुम्ही, हाय हरे तुम्ही, अब संभालो रुपया, मैं का करूं राम मुझे रुपया मिल गया, मैं का करूं राम मुझे रुपया मिल गया, ओए हाय रुपया मिल गया, हाँ हाँ रुपया मिल गया, मैं का करूं राम मुझे रुपया मिल गया, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, क्यों भाई? सच है मेरा कहना के तुम हो अनाड़ी, दिल का दर्द उतरते देखा, जेब से पैसा जाते देखा, हमने तुझको दर्द के मारे सीना पीट के रोते देखा, जमुना के बच्चे दिल पे मरने वाले मरेंगे बेकारी। अभी आप सुन रहे थे नाटक मुझे मेरे
डॉक्टर से बचाओ, जिसके लेखक थे डॉक्टर सुधाकर प्रभु। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: गंगा दास, विजय चौधरी, जमुना दास, तरुण मोहम्मद और पेशेंट आनंद सिंह। तबले पर साथ दिया दीपक नेरुरकर ने। निर्माण सहयोग सुनीता नागपुरे और हुसैन खान। प्रस्तुति तनुजा कानडे की थी। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।